अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके सामने वीगो कंपनी का कांटा लेकर आए हैं 35 kg का। इसकी कैलिब्रेशन करके आपको तरीक़ेकार बताएंगे। सबसे पहले कांटे को हम ऑन कर लेते हैं। ये कांटा आपके सामने ऑन हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर आपके सामने 10 kg का वेट रखेंगे, आपको चेक करवाएंगे। ये हमने 10 kg का वेट रखा है, 9 किलो और 58 ग्राम शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हम वेट उतार देते हैं और उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन आपको सिखाएंगे। ये हमने वेट उतार दिया है आपके सामने, बिल्कुल 0-0 पोजिशन में कांटा है। चलो इसकी कैलिब्रेशन भी करते हैं और आपको समझाते भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले कांटे को ऑफ करके ऑन करना चाहिए। ये हमने कांटे को ऑफ किया है, आपके सामने अभी ऑन करेंगे। तो ये कांटा आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने ऑन हो चुका है। तो जैसे ही कांटा ऑन हो जाए उसके बाद उसका कोड एंटर करना है। ठीक है, तो ये 0-0 पोजीशन में है कांटा। कोड एंटर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो 8518 हमने ये कोड एंटर किया है। हम टेयर का बटन दबाएंगे, अगर ये ना ले तो उसके बाद 3658 लगाएं आप। ठीक है, तो ये कोड एक्सेप्ट करेगा। देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक का बटन दबाने के बाद टेयर का बटन दबाया हमने। अभी हम 10 kg हमने इसके ऊपर रख दिया है। ये 10 kg का वेट है, 9 किलो शो कर रहा है। तो एक मरतबा फिर से हम टेयर का बटन एंटर करेंगे, उसके बाद 10 kg यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके सामने हमने 1 और 4 0 दे दिए। अभी 36 kg हमने कैपेसिटी यहाँ पर लिख दी है। तो वैसे ये 35 kg का है लेकिन 1 किलो हम खुद ही ज़्यादा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने टेयर का बटन दबा दिया। अभी 3 जो हैं ये 3 0 हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितने 0 आपने रखने वो रख सकते हैं, अगर 2 रखने तो 2, नहीं तो हमें 3 रखने, इसलिए हम इसके ऊपर 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम टेयर का बटन दबाएंगे। अभी ये कितने ग्राम पर चलाना है ये देखें। हल्का सा हमने दबाया तो 2 ग्राम से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 ग्राम लिखे हुए हैं। अपने 5 ग्राम पर करना हो तो 5 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन हमें 2 ग्राम पे करना है इसलिए हम 2 ग्राम ही रखेंगे। हमने टेयर का बटन दबा दिया। ये आपके सामने 10 kg फिक्स शो कर रहा है। ये हमने वेट उतार दिया है, 0-0 पोजीशन में है। फिर से हम वेट रखेंगे इसके ऊपर। कांटा ऑफ करके हमने ऑन कर दिया। ये देखें 0 पोजीशन में। अभी फिर से हमने ये वेट रख दिया है। ये आपके सामने 10 kg बिल्कुल अच्छे तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, 2 ग्राम या 4 ग्राम हवा की वजह से 10 किलो पर अब थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे आपको आगे वाली कुछ सेटिंग इसमें सिखाएं। तो ये हमने फ़िलहाल इसके ऊपर एक डब्बा रख दिया है जिसका वेट है 478 ग्राम। तो अच्छा, अगर इसमें हम 1000 लिखें तो 1000 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1000 कैसे लिखें या 999 से ज़्यादा कैसे लिखें, ये हम आपको सिखाएंगे इसी वीडियो में। और प्राइस इंक्रीज भी कैसे करते हैं, मतलब कि प्राइस अगर आपने लिख दी है 50 किलो वेट रख दिया है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज कैसे होगी, तो इसमें बताते हैं। इसका कोड है 978 टेयर, उसके बाद 15 टेयर। ये दबाने के बाद 2 0 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आप 800 ये देखिए 1 2 3 4 तक लिखा जा रहा है, मतलब कि आप इसमें 4 हिंसे लगा सकते हैं। 1000 लगा सकते हैं, 2000 लगा सकते हैं, 5000 लगा सकते हैं, 10000 लगा सकते हैं।
तो इसी तरीके से ये देखिए एक ज़ीरो हो गया, हमने कोड में एंटर किया तो अभी इसमें पांच डिजिट छो रहे हैं, ठीक है पांच डिजिट। तो ये देखें 90,000 तक शो हो रहा है। तो यही सेटिंग अगर सेम वापस मोड में लानी हो तो उसके लिए भी 9, 7, 8, 2, 5 दबाएं, तो ये देखें सेम सेटिंग मोड में आ गया। तो इसी तरीके से कस्टमर को आप सेम सेटिंग भी करके दे सकते हैं। कुछ लोगों को सेटिंग करने आती है लेकिन कुछ को नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।